देखो पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, एक इलेक्ट्रॉन गन है और वो वी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस का चाहे वी पोटेंशियल से, जब कोई वी पोटेंशियल भी बोलता है तो भी डिफरेंस ही होता है, पोटेंशियल से एक्सेलरेट नहीं करता कोई, हमेशा पोटेंशियल डि अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस से ही क्यों एक्सेलरेट करते हैं, पोटेंशियल से क्यों नहीं करते? हाँ? पोटेंशियल से क्यों नहीं एक्सेलरेट करते, पोटेंशियल डिफरेंस से ही क्यों एक्सेलरेट करते हैं? हाँ? बल्कि ये जानना जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस का महत्व है पोटेंशियल का नहीं है, ये बताओ क्यों? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये जितने दुनिया में करंट और पावर को देख रहे हो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस है, पोटेंशियल का नहीं है। 1 लाख वोल्ट हो जाए ना पोटेंशियल तो भी वो मीनिंगलेस है, डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल लूंगा ज्यादा समझ में आएगा। इधर वॉल है, यदि 1 लाख वोल्ट पे है और वो वाला भी वॉल 1 लाख वोल्ट पे है तो बीच में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना। और इधर इधर मान लीजिए 1000 वोल्ट पे है और उधर 0 पे है तो दिक्कत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फील्ड, फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसके क्रॉस वहीं से तो आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फील्ड होगा, फील्ड होगा तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी आएगी। तो इसलिए तो पोटेंशियल से कोई एक्सेलरेट नहीं करता, किससे एक्सेलरेट करता है, क्यों एक्सेलरेट करता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फील्ड होगा, फील्ड होगा तो फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी आएगी। तो आपके ऊपर है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं जो मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन गन है ये। अच्छा, ये और आप लोगों को बताया था कि जब यहाँ से चीजें निकले ऐसे तो घबराना नहीं है कि ये क्या फोटो बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। मैं कहा था कि फिर यहाँ पे ऐसे है, इसके इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और वी पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट हुआ है, तो आप कह सकते हैं क्यू वी बराबर 1/2 mv² ना, मतलब इतनी स्पीड से निकल रहे होंगे। ये कहीं और भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत होगा तो क्यू चार्ज होगा, ये यही एनर्जी गेन करेगा ना, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अच्छा, कोई कहेगा कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में डी डिस्टेंस तक एक्सेलरेट किए, तो तुम यहां पे क्या लिख लोगे, ई डी लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, मतलब ऐसे। अच्छा ऐसे करोगे तो क्या सोचोगे, यहां पे तो एनर्जी सोच रहे थे, यहां पे क्या सोचोगे, वर्क डन सोचोगे, कहोगे ई फोर्स है, डी डिस्टेंस है तो वर्क डन हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन। और जब भी कोई कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुआ है या ई इलेक्ट्रिक फील्ड में डी डिस्टेंस तक एक्सेलरेट हुआ है तो हम लोग मान के चलते हैं कि जीरो से एक्सेलरेट हुआ, जीरो वेलोसिटी से बाय डिफॉल्ट, अपने से नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी तो दिया नहीं था, तो अपने से मानना है, क्या मानना है, जीरो, जीरो से एक्सेलरेट हुआ है ना। तो एक तो ये पॉइंट है जो आपको देखना था। तो यदि कोई कहेगा वी पोटेंशियल डिफरेंस तक इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है तो वी ये आएगा, मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है ये। अब ये सब जाएंगे यहां पे फिर से फोकस हो जाएंगे ना ऐसे। तो पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं आपको, यदि कोई एंगल यहाँ पे हो थीटा एंगल ना, तो इसको कौन से वाले वेलोसिटी से ऐसे चलता चला जाएगा, इधर की तरफ होगा वी कॉस थीटा, जो वी निकला होगा ये, और इधर होगा वी साइन थीटा, है ना। कैसा पाथ बना के जाएंगे, याद है ना, कैसा बना के जाएंगे, हेलिकल पाथ, कौन सा स्ट्रेट लाइन बना के जाएगा, जो बी की तरफ होगा, कुछ थोड़ा बहुत एंगल होगा कुल हेलिकल बना लेंगे,
लेकिन याद है ना, सब जाके टच करते हैं एक सिक्सिस को। कितना दूर जाके टच करेंगे? एक पिच दूरी पे जाके टच करेंगे ना। तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा? 2πm/qb। हाँ, तो qb की जगह ev लिख दिया, q की जगह e है और m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सही है। और ये जो दूरी होगा यहां से यहां तक, फिर से जो जाके सारे इलेक्ट्रॉन फोकस हो जाएंगे, होगा ये x दूरी, d दूरी मान लेते x। बताओ, अरे यार मैं बार बार डी, x दूरी पर फिर फोकस हो जाएंगे, तो कितना दूर जाके होंगे फोकस? कितने स्पीड से इधर जा रहे होंगे? v cos थीटा से। हाँ, और कितने देर तक चलेंगे? यही ना, यही तो किए थे पिच के लिए। सो वी कॉस थीटा इंटू इसको क्या लिखूंगा? 2πm/qb, क्यू की जगह ई ना, ई बी। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2πm cos थीटा इंटू ई बी डिवाइडेड बाई ई बी, और यहाँ वी ना। हा, तो वी की वैल्यू कितना लिखना होगा? ये वाला, हा, तो एक्स की जगह क्या लिख लूं? तब 2πm cos थीटा डिवाइडेड ई बी अंडर रूट 2EV/m, सही है। बहुत करोगे तो तुम क्या करोगे, इन सबको अंदर ले लोगे। और दूसरा एक और मालूम है क्या, थीटा वेरी स्मॉल ना, नहीं तो कुल थीटा भी डिपेंड करने लगेगा, दूर दूर हो जाएंगे सब। यदि हम लोग थीटा कंसिडरेबल ले लें कि सब अलग अलग है, तो कुछ आगे पीछे हो जाएंगे नहीं। जिसका थीटा बड़ा होगा उसका कॉस थीटा छोटा होगा, तो पहले ही टच कर जाएगा, और जिसका छोटा होगा वो दूर टच करेगा। ये समझ में आ रहा तुम लोगों? तो क्या करना है, थीटा टेंडिंग टू जीरो, सो कॉस थीटा टेंडिंग टू वन। कई बच्चे ये भी अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाते, कॉस थीटा वन ले लेना। तो फिर ये कर देंगे सब जगह एक ही, सब एक ही जगह। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वेरी स्मॉल एंगल सबके लिए क्यों बोला था, ताकि सब बौछार की तरह एक ही जगह जाके फिर से ऐसे हो जाए यहाँ पे। इसलिए बोला था कि क्योंकि तुम कॉस थीटा वन रख लोगे तो सबका सेम वैल्यू आएगा। तो फिर क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि थीटा अप्रोक्सीमेट कर रहे हो तो फोकस भी अप्रोक्सीमेट कहेंगे, है ना। ये तो अब कई बच्चे इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। एक तो ये नहीं समझ पाते हैं, फिर ये नहीं सोच पाते हैं, और सब हो जाता है ना, तो अभी भी दिक्कत आता है। इस सबको अंदर भी लेना होता है ना, आंसर तक नहीं मिला पाते इसको अंदर करके। तो कॉस थीटा क्या रखना है? वन, और कुल अंदर ले लेना। अच्छा है, ऐसे ही रहने देना, दोनों सही है। बहुत सारे बच्चों के लिए तो यही दिक्कत हो जाता है, भी ही नहीं सोच पाते हैं, कहता है ऐसे लिख रहा था। अच्छा, ये तो बहुत सारी जगह लिख रहा था ना, मॉडर्न में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, करंट में, कहीं भी लिखा रहता है कि इतने से एक्सेलरेट कराए, तो तब बताइए कुछ। तो ये यही नहीं लिख पाते यार सब। अच्छा, ये कहने के बाद ये भी कहा जाता है, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ बताओ, बता लोगे? यहां से क्या निकाले ना, मोमेंटम आ जाएगा ना यहां से, और एच बाई पी कर लेना। ये भी नहीं कर पाते हैं सर, सो बहुत सारी जगह दिक्कत हो जाती है। मैं इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी, अच्छा ये सारे जब हम लोग कुछ बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए ना ऐसे, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है। अब सोच ही नहीं पा रहे, कह रहे कि हम तो ऐसा किए ही नहीं है, तो अपना दिमाग लगाओ ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बस इतना ही है, एच बाई पी है, पी रखो तो कहीं भी इसको छोड़ दूं मैं,
कदों की एच हाइट से छोड़ दूं मास एम है, कदों की ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, कहेंगे ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं किए हैं। अरे भाई तुम्हें करना क्या, एच बाई पी ही तो करना है, तो वहां पे जाते जाते कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, अंडर रूट 2gh है ना, तो अंडर रूट 2gh वेलोसिटी हो गई, मास एम दिया ही है तो एच बाई पी कर लो। अब उसको भी नहीं बताते हैं सर, तो ये सब दिक्कतें हैं। ज्यादा जरूरी है कि ये कितना डेवलप हो गया, कितना सोच पा रहे हैं, नहीं रटने से थोड़ी होगा। तो बहुत सारे बच्चे अपने आप को कुछ क्वेश्चन कर करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर भी वो एडवांस में सेलेक्ट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो क्वेश्चन तक ही सीमित रहते हैं, ये डेवलप नहीं करते हैं सब। क्वेश्चन लिखो तो, अ चार्ज क्यू ऑफ मास एम, अ चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज रिलीज्ड एट ओरिजिन इन स्पेस। A charge q of mass m is released at origin in space where constant electric field, इधर देखो, where constant electric field E not J and constant magnetic field V naught K are existing, where constant electric field E is equal to E naught J and constant magnetic field B equals to B naught K are existing। ऑब्वियसली ये नहीं लिखवा रहा ना, वेयर ई नॉट एंड बी नॉट आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है ना, वो ऑब्वियस है, नहीं रहता तो ऐसे मान के चलते भी हैं। देन फाइंड नेचर ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय चार्ज, देन फाइंड नेचर ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय चार्ज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई and maximum value of y। जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना उसमें सबसे कठिन क्वेश्चन है ये अभी तक का, मतलब एडवांस में इससे कठिन क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इतना ज्यादा कठिन है, इतना ज्यादा मैथमेटिकल फिजिक्स है ये। तो ट्राई करिए आप लोग, देखिए एक मिनट ट्राई कर लीजिए फिर बताता हूं मैं। इसके साथ फोटो भी दे सकता था ना, फोटो बना दूं आपको, ये देखिए फोटो, तो यहां पे छोड़ा गया ना एक चार्ज को, छोड़ा गया जिसका जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है ना, ऐसे रिलीज किया गया, रिलीज मतलब वेलोसिटी जीरो, यहां पे ओरिजिन पे छोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, वाई की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है ना, तो क्या होगा इसका, ये समझ में आ रहा है। अच्छा एक कठिन क्यों है, इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऐसे दिए थे हम लोग इलेक्ट्रो स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे केवल ई होता है, ई है, फिर इससे पहले शुरू शुरू में हम लोग केवल बी पढ़े, फिर हम लोग थोड़ा आसान कॉम्बिनेशन पढ़े कि ई और बी एक ही तरफ है, यही सब तो किए थे। अब ई और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और हो गया बहुत कठिन, यदि मैं और कठिन बनाना होता तो क्या कर देता, ई और बी को 90 पे नहीं बल्कि 60 डिग्री पे दे देता, कोर्स के बाहर ऑलमोस्ट है ये, कोर्स से बाहर,
लेकिन स्टडी कर सकते हैं फिर भी। किताबों में 60 डिग्री वाला नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यही बहुत कठिन है, 90 डिग्री वाला ही। तो करिए, ट्राई कर लिए कि मैं ट्राई कर लो तो फिर बताता हूँ। दिक्कत आ रही ना सोचने में? आ रहा है समझ में? क्या आ रहा है, क्या कैसा आ रहा है बात? ऐसे होने वाले, देखो ऐसे होने वाले। चलो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। तुम लोग शुरुआत शुरुआत से सोच नहीं पाए। चलो ये बताओ, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? अच्छा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे है, बस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बल्कि कहीं तो बना भी देता हूँ हर जगह ऐसे ही, ताकि आप ज्यादा समझ पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई ई नॉट, और ये एक्सेलरेट करेगा ना ये। अभी मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा शुरू शुरू में? शुरू शुरू में जब छोड़े थे रेस्ट से, टेढ़ा तो नहीं बना दिया यार मैं? तुम लोग ऐसा ना मान लेना है कि यार टेढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा ना, उसके लिए वेलोसिटी चाहिए ना, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा। तो फिलहाल कौन काम करेगा? कितना फोर्स लगाएगा? क्यू ई नॉट ना, तो एक्सेलरेट होगा। जैसे ही एक्सेलरेट होगा वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। किधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स? इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है बाहर, वेलोसिटी इधर आई थी तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, मुड़ने लगेगा ना, ये इधर मुड़ेगा क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है। अच्छा, जैसे जैसे मुड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी मुड़ने लगेगा। अरे यार ऐसे है तो इधर लग रहा होगा, जब मुड़ के ऐसे वेलोसिटी हो रही होगी तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, हैं? तो फिर और मुड़ रहा होगा, समझ में आ रहा तुम लोगों? तो ये तो मुड़ने मुड़ ही रहा है हमेशा, और जितना ऊपर जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर काम भी कर रहा है, वर्कडन भी कर रहा है। इसकी स्पीड कौन बढ़ा रहा होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करके वर्कडन करके स्पीड बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड बढ़ा स्पीड नहीं बढ़ा सकता है। फोर्स लगाता है, एक्सिलरेशन करवाता है, मोड़ता है, पर स्पीड नहीं बढ़ा पाता। क्यों क्यों स्पीड नहीं बढ़ा पाता? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं वो स्पीड बढ़ा, उनका काम केवल क्या है? डायरेक्शन बदलना, मोड़ना, ठीक है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि जब वाई दूरी पर हो तो बताइए उसकी स्पीड कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बच्चे इसको भी नहीं कर पाते। बहुत छोटा सा है इसका आंसर, कह दें कि
वाई दूरी पर होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड गया भाड़ में, उसका काम करना नहीं था, तो वर्क डन कितना होगा, कांस्टेंट फोर्स है तो कितना लिखोगे, क्यू ई नॉट इन टू वाई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर आंसर है, क्योंकि वही ना काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड को तो देना नहीं था। फिलहाल पाथ बना देता हूं मैं, एंड सो ऑन, ये पाथ है। अब दिक्कत है पाथ है, अच्छा ये पाथ सोच कैसे रहा था, तो वो तो सोचने के नाम पे ऐसे था कि मोड़ रहा था फिर ऐसे होगा, वेलोसिटी ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा होगा तो मोड़ ही रहा होगा, और यहां पे जाते जाते फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि फिर से नेट वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो काम करना था, तो वहां पहुंचते पहुंचते वर्क डन जीरो हो जाएगा टोटल, तो फिर टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना था वी जीरो, फिर से फिर एक्सेलरेट होगा, फिर रिपीट होगा, और ये हम लोग देखेंगे बाद में कि इसका ये पाथ है साइक्लोइड है नेचर इसका, लेकिन वो आएगा तब। फिलहाल तो मैं अभी ऐसे सोचा हूं कि ऐसे होना चाहिए, और फिर मैं सोचा इसके नीचे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि क्या दिक्कत है यहां पे आते ही अचानक से वी जीरो। सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी बताओ तो जरा, सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी, सबसे ज्यादा वाई पर, क्योंकि ज्यादा वाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा वर्क डन, अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ करता है नहीं, तो ज्यादा वाई तो इधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है यार, ज्यादा वाई तो ज्यादा वर्क डन तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब ये बढ़ बढ़ के मैक्सिमम, और फिर यहां से घटना शुरू हो गया होगा स्पीड। ये मोड़ कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, आगे बढ़े। इतना खतरनाक है ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये प्रैक्टिकल थोड़ा कम है। मैं कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान सुनना, मैं सोच रहा हूं कि यहां पे वी डिसाइड डिफाइन किया जाए, जहां पे इसको वाई भी मान लेते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है यार। एक तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो थोड़ा आसान भी होता, मैग्नेटिक फील्ड पूरा मोड़े जा रहा है, अब स्पीड भी बढ़ता जा रहा है, तो मैं ऐसे करूंगा, मैं कहूंगा कि जो फोर्स लग रहा है वो कहूंगा कि क्यू ई नॉट क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, सही लिखा हूं देखो तो, अरे फोर्स तो यही लिखोगे, दोनों फोर्स लगाएंगे ना, तो मैं लिख रहा हूं फिर से आगे बढ़ा, इसको इसकी जगह क्या लिखूंगा बताओ, ई नॉट जे, और इसकी जगह देखो तो, अच्छा फिर से इसी को करते करते तुम लोग कहीं और भी अप्लाई ऐसे ही करना, क्योंकि अब बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन बनेंगे, और हम लोग ऐसे कहीं पे भी सोचना चाहिए, वैसे मैकेनिक्स में भी सोच सकते हैं आप, तो जब इस तरह की दिक्कत आती है कुछ आइडिया नहीं लगता है तो हम लोग जनरल मानते हैं, कहते हैं वी की वैल्यू है, लेट दिस वी एट एनी मोमेंट एट एक्स वाई पोजिशन इज वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। यदि हम लोग ऐसे न माने तो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे फिर, तो दो 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 तरह का फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, एक प्रैक्टिकली इमेजिन रियलाइज करके डायरेक्शन वर्शन दिखा के काम कर लेना, और एक जगह ऐसा होता है कि हम सोच ही नहीं पाते, इतना खतरनाक होता है, तो पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के आगे बढ़ना होता है, वो वही वाला है, ये कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, कुछ लिख ही नहीं पाएंगे आप, तो v की जगह क्या लिखूं बताओ, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। इसे सीखो कि कहीं और भी तुम ऐसे ही करना, और बताओ इसकी जगह क्या लिखूं, बी नॉट के, सही है, सभी लोग आगे बढ़ो तो क्रॉस लो थोड़ा, अब अप्लाई करो अपने से थोड़ा, तुम करो तो फिर मैं बताता हूं, आगे बढ़ता हूं फिर। मैथमेटिकल फिजिक्स ज्यादा है, ये जेई मेन में नहीं आएगा, एडवांस के सब क्वेश्चंस हैं ये।
लिख लिए। अब छोटा सा है इसलिए डिटरमिनेंट के बजाय कौन सा वाला याद किया जाए, क्रॉस वाला ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि मैट्रिक्स बनाएंगे तो भी मिल ही जाएगा। तो लिख लिए होंगे आप लोग, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्यू ई नॉट जे प्लस क्यू बी नॉट, और यहाँ पे आपको मिलेगा आई क्रॉस के कितना, आई जे के, आई क्रॉस के माइनस जे। हाँ, तो यहाँ पे मिलेगा आपको आई वाला इसके साथ, तो वी एक्स माइनस वी एक्स के जे, सही है ये। और वी वाई ये वाला क्रॉस करोगे तो बी नॉट तो यहां पे ले चुका हूं, तो जे जे क्रॉस के आई जे के आई ना प्लस आई। सही है ये, फाइनल फाइनली जे को इकट्ठा कर रहा हूं, जे वाला देखो, पहले आई वाला लिख लेता हूं क्योंकि अक्सर लोग आई वाला लिखते हैं, तो मैं ये देखो आई वाला लिखता हूं, क्यू बी नॉट क्यू क्यू बी नॉट वी वाई आई कैप, और जे वाला दो ठो देखो, प्लस क्यू ई नॉट और ये वाला माइनस क्यू बी नॉट वी एक्स, सही है। आपको पता है फिर से यदि तुम सोचोगे ना कि ऐसे ही हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा, पाथ तो कम से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि पाथ तब मिलता है जब हम लोग एक्स वाई का रिलेशन निकाल पाते हैं, और एक्स वाई का रिलेशन निकाल के इसका मतलब अलग अलग स्टडी करना होगा, इसका मतलब कहीं और भी जब इस तरह का एक्सप्रेशन मिले तो इसी तरह डील करते हुए आगे मत बढ़ना, तुम इसको अलग से स्टडी करो, और वाई वाला अलग और इंडिपेंडेंट वैसे भी होते हैं, हालांकि इस तरह का रिलेशन हो जाता है कभी डिपेंडेंट भी हो जाते हैं थ्रू सम क्वांटिटीज, थ्रू टाइम, थ्रू वी एक्स वी वाई। आप कह सकते हैं ना कि जे वाले में तो वी एक्स है, तो है, अब है तो है, लेकिन जो स्टडी करते हैं वेरिएशन रेट ऑफ चेंज वो तो अपना अलग हिसाब किताब होता है। तो फिर अगला स्टेप क्या है पता है, लिखेंगे एफ बराबर एम ए ना, लिखेंगे एफ बराबर एम ए, या फिर ऐसे कर लेंगे यार, कर लेंगे कि एक्सेलरेशन बराबर, एक्सेलरेशन बराबर लिखेंगे एफ बाई एम ना, एक्सेलरेशन बराबर एफ बाई एम, तो तब क्या लिखोगे, कहोगे कि क्यू बी नॉट वी वाई बाई एम आई कैप, और इसको लिखोगे क्यू ई नॉट माइनस क्यू बी नॉट वी एक्स बाई एम जे, सही है। तुम इसको लिखोगे ए एक्स, इसको लिखोगे ए वाई, दिस इज ए एक्स दिस इज ए वाई, और ये चला गया पूरा का पूरा 2D मोशन है, वो भी खतरनाक वाला, जो हम लोग 11th में मैकेनिक्स में नहीं पढ़ते हैं, उसको डील करना, उसको आना चाहिए, उसमें कठिन कठिन क्वेश्चन करना चाहिए लोगों को। इसका मतलब यदि मैं ये कहूँ कि अब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक और इसका कुल मतलब खत्म हो गया, बस हमारे पास यही बचा है जिसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, मतलब 11th को भी दे दें तो उसे करना चाहिए 11th वालों को, अब इसे तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हें फिजिक्स ऐसे ही देखना होगा कि जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं कुछ बातें आ जाती हैं, एक से वाई मिल जाता है, कुछ वैल्यूज हैं, बात खत्म, अब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, सब कॉन्स्टेंट मानो ये सब। अब तो तुम ये तो 11th में पढ़ते ही हो, ये वाला भी 11th में पढ़ते ही हो, इसे तुमको क्या मतलब, ये तो कॉन्स्टेंट है, K1 K2 मान लो। तुम्हें तुम ये बताना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें ये करने आता है कि तुम सोच पाते हो ए एक्स लिखना अलग, ए वाई लिखना अलग और आगे बढ़ना, ये तो 11th का हिस्सा है, इसका है भी नहीं। तो यदि इसके बाद आपको नहीं आता है, इसका मतलब आपका वो कमजोर है, फिर 2D वाला कमजोर है। तो चलो एक मिनट लो, फिर से तैयारी फिर करो, देखो कितना तक पहुँचते हो, इसके आगे बढ़ो, इसी इसी बहाने रिवीजन मान लो 2D का,
देखो कर पाते हो कि नहीं। वैसे खतरनाक तो लग रहा है, आई के साथ वी वाई है और जे के साथ वी एक्स है तो खतरनाक। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की चीज़ों को पाते हो, क्योंकि एडवांस में तो मिलेगा आपको और कठिन क्वेश्चन में, या यूं कह ले कठिन क्वेश्चन में मिलेगा। कर लिए? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बताया हुआ उसको मैं गायब कर देता हूं ना इसको। लिखता हूं ये देखो, तो बाकी तो पाथ है ही, मैं ये लिख रहा हूं ए एक्स लिख रहा हूं, अब एरो की जरूरत नहीं है। अच्छा एक्स में एरो क्यों लगाते हैं? वन डी में साइन काफी होता है, इसलिए डायरेक्शन के लिए। टू डी में आपको साइन से काम नहीं चलता, आईजे लगाना होता है, लेकिन वन डी में साइन ही काफी होता है डायरेक्शन के लिए। बताया होगा, फिर आज बोल रहा हूँ याद दिलाने के लिए। तो वेक्टर तो है पर एरो की जरूरत नहीं है, साइन से पता चल जाएगा। प्लस होगा उधर कह देंगे, माइनस होगा उधर कह देंगे, है ना? तो बताओ एक्स क्या लिखूं, बताओ? क्यू बी नॉट वी वाई बाई, सही है? है? और ए वाई क्या लिखूं बताओ? क्यू ई नॉट वाई एम माइनस क्यू बी नॉट वी वाई बाई एम। ठीक है, मैं जानबूझ के अलग लिख दिया, सही है। अच्छा वी एक्स है क्या ये? वी एक्स ना, सही है। अच्छा इसके इसके बाद तुम लोग कुछ सोच पाए? हाँ चलो मैं बताता हूं आइडिया के लिए ना। तुम कहीं पे भी ना डिफरेंट, ये देखो वी एक्स है यहां पर, तो अब तो कुछ शिफ्ट करके हम लोग देखने की कोशिश करें कि इसकी बात कर लेते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि आपको सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ये तो गायब हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएट होगा तो ये ए एक्स हो जाएगा, तो ए एक्स वाला ये वाला रख लेंगे तो वाई वाला हो जाएगा, तो वाई वाला फिर सोचेंगे कि फिर क्या हो रहा है ना ऐसे। तो फिलहाल इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। वैसे ये है क्या डी वी वाई बाई डी टी है ये, हाँ? या फिर ऐसे डॉट ही रखने देते हैं? अच्छा इसको ऐसे लिख लो क्या, इसको वी एक्स डॉट लिख लो, डॉट मतलब समझते हैं आप लोग, हाँ? एक डेरिवेटिव ना ऐसे, तो इसको वी वाई डॉट लिख लो, एक डॉट मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्वियस है। दो डॉट मतलब, पांच डॉट मतलब पांच बार, तो एक डॉट मतलब एक बार, ठीक लिखा हूं? हाँ? तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनना, तो इंटरेस्टिंग है। मैं इसको लिखने जा रहा हूं वी वाई डबल डॉट, चाहे तुम इसको डी ए वाई बाई डी टी भी लिख सकते हो, चाहे डी डी टी ऑफ डी वी वाई बाई डी टी भी लिख सकते हो, ये डी वी वाई बाई डी टी ना तुम्हारे ऊपर है। तो डिफरेंशिएट करें इसको, क्या होगा जल्दी बताओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? माइनस क्यू बी नॉट बाई एम डी वी एक्स बाई डी टी, सही है? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बी नॉट बाई एम
और ये कितना है ए एक्स, हाँ ए एक्स, बताओ ए एक्स है कितना है? यहां पे देखो इसको पुट करो तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बी नॉट बाई एम, और ए एक्स कितना है क्यू बी नॉट बाई एम वी वाई, सही है? नोटिस करो तो वी वाई, अच्छा तुम इसको क्या क्या लिख सकते हो आपको मैं याद दिला दूं, इसको आप वी वाई डबल डॉट कहिए, चाहे आप इसको डी ए वाई बाई डी टी कहिए, चाहे डी डी टी ऑफ डी वी वाई बाई डी टी कहिए, सब एक ही बात है ना, ये सही की बात है, चाहे आप इसको क्या कह लीजिए डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर कहिए, इसी को कहते हैं, सही है? ये आया कितना है ये बताओ, ये देखो ये आया है माइनस क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी वाई, सही है? नोटिस करो तो वी वाई का डबल डिफरेंशिएशन वी वाई के प्रोपोर्शनल में है, वी वाई का डबल डिफरेंशिएशन या कुछ भी कह लो या यहीं से देख लो, वी वाई का डबल डिफरेंशिएशन वी वाई के ही प्रोपोर्शनल में है, इसको तुम याद कर सकते हो, यदि किसी का किसी भी दुनिया में किसी भी वेरिएबल का डबल डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के प्रोपोर्शन में हो और माइनस साथ में हो तो सोल्यूशन एसएचएम का होता है, एसएचएम का फंडामेंटल यही यही थ्योरी है, यही से शुरुआत है एसएचएम में, और के बात वाई की एक्स की नहीं है, बात किसी भी क्वांटिटी की है, सोल्यूशन तो सोल्यूशन होता है, तो इसको किया कर सकता हूं मैं, है ना? उसे अच्छा याद करो, उसमें क्या कहते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कहते हैं ना, तो ये क्या होता है बताओ, वही तो है ये, तो बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि यहां पे एक्स डबल डॉट है तो यहां भी एक्स है, बस ये है, मतलब कि कहीं भी चार्ज का लेंथ का किसी भी चीज का रिलेशन, बात सोल्यूशन की है, तो ठीक है तब सोल्यूशन वही आना चाहिए, फिर एसएचएम वाला आना चाहिए फिर सोल्यूशन, है ना? तो इसका मतलब इसका सलूशन बताओ क्या, वैसे किया जा सकता है जैसे हम लोग इसको करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, मतलब फिर से एसएचएम में पढ़ क्या करूं, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, है ना? अच्छा कैसे करोगे इसको, याद है ना इसको कैसे करते हैं? इसको हम लोग करते हैं कि एक्सेलरेशन है तो वी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, यदि तुम्हें ये ना समझ में आने कि यहां पर कैसे करेंगे, तो यहां पर जैसे करते हो वैसे ही कर लो, जैसे जैसे करते हो वैसे वैसे कर लो, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं इसको वी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, यहां पर वी डी वी बाई डी एक्स, तो वैसे यहां पे भी सोच लेना कि यहां पे क्या लिखेंगे, और वी डी वी बाई डी एक्स कैसे आता है, डी वी बाई डी टी होता है, उसमें डी एक्स डी एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख लेना, पूरा सोल्यूशन वैसे ही आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, साइन इनवर्स में चला जाएगा, जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स आता है ना, तो वहीं से तो साइन आता है, तो इसका सोल्यूशन में क्या लिखूं, ऐसे देखो सोल्यूशन देखो वी वाई, यहाँ पे तो एक्स लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी वाई और कहेंगे वी वाई मैक्स, ये वी वाई मैक्स है ना, साइन एम्पलीट्यूड है ये, है ना, या तो ये कह लीजिए कि ए लिख लेते हैं यार, इसको ए भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे क्योंकि वी वाई है तो वी वाई मैक्स लिखा हूं, जिसे एम्पलीट्यूड कह रहा हूं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे अच्छा ये मैं फाई भी ऐड नहीं करता यदि मैं इंटीग्रेट करके वैल्यूज लिखा होता,
या फिर यू कह लीजिए कि साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी कैसे लिखा जाना चाहिए, तो मेरे दिमाग में है कि सोच के भी लिखा जा सकता है कि क्या लिखना चाहिए शुरू में। नहीं, जैसे कहूंगा कि अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही वाला ओमेगा होता है ना, तो यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं ना, व्हाट इज ओमेगा। हाँ, अरे ये तो होता भी है क्या यार, क्यू बी बाई एम ही तो होता है वहां पे भी, तो वही वाला है क्या। सो एनीवे, सो हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं यहाँ पर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, हाँ क्यू बी नॉट बाई एम, सही है, ओमेगा अलग से लिख लिया हूं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यदि हम लोग उसकी तरह इंटीग्रेशन में आगे बढ़े और इंटीग्रेशन में लिमिट रखे होते तो इसकी जरूरत फाई की नहीं होती, लेकिन क्योंकि मैं वैसे गया नहीं, आप जा सकते हैं तो उसमें रखेंगे, लिमिट रखेंगे तब तो कौन, तो यहाँ पे क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन के नाम पे जनरल लिखे हैं और जनरल लिखते हैं तो इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट ऐड होता है, तो इसीलिए ऐड है, लेकिन निकाल सकते हैं फिर बाद में, जानते हो कैसे निकालेंगे, कहेंगे टी बराबर जीरो पर वाई जीरो था, वी वाई जीरो था, सॉरी टी बराबर जीरो पर वी वाई जीरो, तो रख लेते हैं एट टी इक्वल्स टू जीरो वी वाई इक्वल्स टू जीरो, सही है, तो लिख लेते हैं यहां पे जीरो रखेंगे, यहां पे वी वाई मैक्स, अच्छा ये अलग है ध्यान रखना, हाँ ये एम्पलीट्यूड टाइप का है जो इक्वेशन है, साइन फाई, तो यहाँ से सोल्यूशन का फाई बराबर कितना हो जाएगा जीरो, सही है, तो हमारे पास रिलेशन क्या मिल जाएगा फिर, हमारे पास आ गया वी वाई इज इक्वल टू वी वाई मैक्स जो एम्पलीट्यूड की तरह है साइन ओमेगा टी। लेकिन दिक्कत किस बात की, अभी एक्स वाई नहीं आया, अभी एक्स वाई नहीं आया, क्या करना होगा फिर, हम लोगों को लिखना होगा इसको डी वाई बाई डी टी, इसे लिखना होगा डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी भी लिखते हैं, फिर डी टी को उधर लेके जाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, करो जल्दी से, तो जल्दी करो, डी वाई बाई डी टी खुद ही लिखो, कम से कम इस बार तो लिमिट रखा था, पिछले वाले में तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि खतरनाक सोल्यूशन निकालना था उसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें कॉन्स्टेंट ऐड करके फिर मत करना, नहीं तो लंबा हो जाएगा झूठे ही, हालांकि उसमें भी कॉन्स्टेंट ऐड नहीं होता यदि लिमिट रख करते तो। अच्छा तो इससे पहले कि मैं तुम लोगों को मैं इसमें आगे बढ़ जाऊं और भूल जाऊं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, क्वेश्चन कठिन या एडवांस या इरोडो टाइप के, रेसनिक हेलिडे, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, क्रोटो, एल सेना, और ये सब बहुत सारे किताबें हैं जिसमें बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन होते हैं, उस कठिन क्वेश्चन का मतलब होता है इसी तरह की बातें जो हम लोग नहीं जान पाते, नहीं अटेम्प्ट कर पाते। आपको मैं बता दूँ, ध्यान से सुनो, यदि किसी का डिफरेंशिएशन उसी के प्रोपोर्शन में हो, या किसी का डिफरेंशिएशन उसके प्रोपोर्शन के साथ माइनस हो, या किसी का डबल डिफरेंशिएशन उसके प्रोपोर्शन में और माइनस हो, यही सब सोल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बारे में बता देता हूँ। यदि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के प्रोपोर्शनल में हो, एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल में हो, और x का डबल डिफरेंशिएशन माइनस के साथ x प्रोपोर्शनल में हो, यही आपके पूरे एडवांस को गवर्न करते हैं, पूरे फिजिक्स में भरा पड़ा है ये, पूरा मतलब पूरा फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की भी बात मान लो। अच्छा x की एक चीज क्वांटिटी है ना, x चीज पोजीशन नहीं मानना है, क्यों लिख दूँ, चार्ज मान लोगे तुम लोग, तो x क्वांटिटी है, इसका सोल्यूशन मालूम है क्या होता है, इसका
साइन लॉग या एक्सपोनेंशियल, इसका भी एक्सपोनेंशियल या लॉग, वो भी डीके वाला होता है, डिक्रीज करता है ये माइनस होने के कारण। आपको रेडियोएक्टिविटी में मिल जाएगा ये, केमिस्ट्री में कौन सा केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला मिल जाएगा आपको। और ये वाला SHM वाला है या फिर कहीं इस तरह का, तो यदि हम लोग इसी में फंस गए ना कहीं पे ये मिल गया, और क्योंकि वो तो बड़ा खतरनाक होता है आपको, तो पूरा मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन आपको याद नहीं आता, और खासकर यहाँ पे तो नहीं याद आता है लोगों को, है ना, तो फिर अब होगा नहीं, वो आपको ऐसे ही रिलेट करना होगा। यहाँ अच्छा यहाँ पे निकालते हैं हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं यार ये, तो वही वाला यहाँ पे रिलेट कर करके। अच्छा मैं भी करता हूँ ना जब, तो इसी को याद करके इसके आगे बढ़ता, लेकिन नहीं तो कुछ दिखता ही नहीं है ये, या फिर डिफरेंट मैथ्स वाला इक्वेशन हम लोग यूज कर लेते हैं कि भाई मैथ्स में ऐसे होता है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, तो ये याद रखोगे तुम लोग। अच्छा क्यों मैं ऐसा फटाफट बोल रहा था कि दोनों का लॉग या एक्सपोनेंशियल आएगा, क्योंकि इसको लिखूंगा dx/dt है, तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू x, तो x इधर लेके चले dt इधर ले जाए, इंटीग्रेशन लॉग आ जाएगा, ये भी लॉग ही आएगा, बस अंतर इतना है कि इंक्रीजिंग हो जाता है, डीके हो जाता है, ये माइनस के कारण डीके हो जाता है, हैं, माइनस मतलब डीके और प्लस मतलब इंक्रीजिंग, बस इतना सा अंतर है। तो इन दोनों का सोल्यूशन क्या होता है, इसका लॉग या e to the power, इसका लॉग या e to the power, और इसका साइन सोल्यूशन, ठीक है, याद रहेगा। मैं तो कहता हूँ लिख लो कहीं डिबे में, बंद कर लो यार ये, क्योंकि पूरे मैं आज तक हिस्ट्री में बता रहा हूँ IT में इससे ज्यादा इक्वेशंस नहीं मिले हुए फिजिक्स में, बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आज तक एडवांस में, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, कठिन से कठिन में बता रहा हूँ। ये वाला तो मैक्सिमम कठिन है, ये वाला तो सिंपल कठिन है ये। सिंपल कठिन दिक्कत रहेगा समझ रहे हैं, तो ये वाला लिख लो कहीं पे और याद रखना ना। और इसके लिए हमें लग रहा है कि समझने के नाम पे भी आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको dx/dt बराबर kx, आगे बढ़ोगे तो मिल ही जाएगा, ये भी dx/dt सम माइनस kx, तो फिर मिल ही जाएगा, तो दिख रहा है साफ साफ कि log e आएगा। तो इसके आगे बढ़ते ना, ये वाला हमारे पास अब रिजल्ट आ चुका है, आप लोग इसको किए इंटीग्रेट किए, मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, इसको लिख रहा हूं dy/dt vy max sin ओमेगा t, केवल मैं vy की जगह dy/dt लिखा हूं, दिस dy vy max sin ओमेगा t dt इंटीग्रेट किया मैं जहां। अच्छा ये कांस्टेंट है ना, ये v कोई मैक्सिमम चीज कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता ना, अच्छा कई बच्चों के साथ ये भी दिक्कत होता है, vy को कहीं कहीं कांस्टेंट मान लेते हैं तो दिक्कत हो जाता है, जबकि वो जनरल होता है, वेरिएबल होता है, और कहीं vy मैक्स होता है या v नॉट होता है या uy होता है, उसको वेरिएबल मान लेते हैं, है ना, तो ये नहीं करना है। जब vy vx जनरल माने हो, जो बदलता हुआ है उसको ना वेरिएबल मानोगे, इसको थोड़ी मानोगे, ये तो कांस्टेंट माना हो इसका सोल्यूशन में, एक ये पॉइंट है। दूसरा जरा देखो, तो ये शुरुआत में ना टाइम जीरो था, तो vy कितना था, क्या इसमें कौन सा रखना है, टाइम ना, टाइम जीरो था तो y कितना था, जीरो, और टाइम t था तो y था ना, आ गया होगा क्या, आया बताओ जल्दी से, यहां लिख देता हूं ना, बताओ क्या आया है, वाई बराबर क्या आया है बताओ, वाई बराबर हा वी वाई मैक्स बाई ओमेगा, ओमेगा हमारे पास है ना,
वन माइनस कॉस ओमेगा टी, सही है। आपको नहीं लगता है कि एक्स का सोल्यूशन देखते हम लोग देखे नहीं, वैसे हम लोग तो वाई पे ही रही गए, ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये सोचने से भी लग रहा है यहाँ पे जीरो, फिर ऐसे ही रिपीट होगा क्योंकि जीरो वाला फिर ओरिजिन की तरफ बिहेव करेगा यहाँ पे, फिर ऐसे, तो ऐसे देखने से लग रहा है कि एक्स मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा लेकिन वाई मैक्सिमम आ रहा है, नोटिस कर रहे हो हैं? व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई मैक्सिमम जब ये माइनस वन होगा? तो ये दो होगा और मैक्सिमम हो जाएगा, बोलो। अच्छा अच्छा, ये देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसे ही साइक्लॉइड कहते हैं। यदि एक्स लगातार बढ़ता चला जाए और ये ऊपर नीचे हो रहा हो और ये कांस्टेंट रेट उसी तरह का पैटर्न हो, तो हम लोग इसको देखो मैक्सिमम, तो अच्छा कब मैक्सिमम होगा ये भी बताया जा सकता है। बताओ ये कब मैक्सिमम होगा? जब ओमेगा टी पाई होगा। मैक्सिमम ओमेगा कब होगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कितना होगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब बढ़िया। वाई एज ए स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ वाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक्स एक्सिस को कितने दूरी बाद तय करे टच करेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हजारों क्वेश्चन पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? कहें कि ये कांस्टेंट है तो इसको मैक्सिमम करेंगे। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये माइनस वन होगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दो हो जाएगा, और ये आंसर है वाई मैक्सिमम बराबर टू। ये देखो दो, ये दो कैसे होगा समझ में आ रहा तुम लोगों? अरे माइनस वन भी तो कभी होगा। बस दिक्कत यह है कि आ तो गया है लेकिन वैल्यू पूरा नहीं आ पाया। ओमेगा तो मैं रख दूंगा, ये नहीं आ पाया। अच्छा ये रखते ही आंसर आ जाएगा, नहीं जो मैं पूछा हूं पाथ तो बताई दिया हूं, साइक्लॉयड है, वाई मैक्सिमम पूछा हूं बस। अच्छा मैं पूछा कम हूं, बताऊंगा आपको बहुत सारा है ना, तो वाई मैक्सिमम आ नहीं पाया, कैसे आएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन, उससे आ जाएगा। एक काम करते हैं, लिखते हैं ना, देखते हैं, हमको तो नहीं लग रहा है आएगा, ले एक काम करो लिखो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन लिखो। अच्छा ये वाला लिख लिए, ये पता है, ये मैं आपको बता के पूरे फिजिक्स को और वेरिएशन को, साइंस में वेरिएशन को आपके लिमिट तक सब खत्म कर दिया हूँ, ये जो मैं देख पाता हूँ। तो इसको इसका ख्याल रखना और अप्रोच ऐसे ही करना जैसे मैं लिखा था। ये चलो आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा एक पॉपुलर क्वेश्चन इसी बीच में, पॉपुलर क्वेश्चन करो, देखो तो हालांकि बताया था उसी को लिखने जा रहा हूं। वाई के फंक्शन में स्पीड बताइए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तुम्हें मिल जाएगा किताबों में। इसी क्वेश्चन में वाई के टर्म में स्पीड बताइए। मैं देख पा रहा हूँ वर्क डन तो केवल फील्ड करता है, और जब याद करो मेरी बात, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन फोर्स इनटू शिफ्टिंग होता है, बस फोर्स की तरफ। याद रहेगा? याद आ रहा है आप लोगों को? फिर से सुनो, कांस्टेंट फोर्स का, वेरिएबल का नहीं। वेरिएबल का तो स्ट्रेट लाइन होगा तो भी नहीं निकाल सकते आप इनटू करके, वेरिएबल फोर्स का। केवल शिफ्टिंग किस कौन सा देखोगे? कांस्टेंट फोर्स का। सो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कितना होता है यार? कहीं तो खूब क्वेश्चन आईटी में आ चुका है इस पे। एक चार्ज को यहां ले गए फिर यहां ले गए, कोई कोऑर्डिनेट दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, करें वर्क डन बताइए। तो यहां से कोई मतलब नहीं है, आप बस देखिए शिफ्टिंग कितनी है, किसके अलोंग? फोर्स के अलोंग। यदि फोर्स की तरफ शिफ्टिंग है तो प्लस,
और उल्टा शिफ्टिंग है तो माइनस, बाकी कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं। क्लियर हुआ क्या? तो एक काम करते हैं, तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन कर सकता है या करता है, क्या कांस्टेंट फोर्स है? अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। एक तो मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और उसका डायरेक्शन भी, खतरनाक है। फिर से सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सिचुएशन में सेम फोर्स लगा रहा है, और कितना लगा रहा है? Q E naught, ऑलवेज इधर। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स न तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और न तो डायरेक्शन, क्योंकि अभी तो डायरेक्शन ऐसे लग रहा था, फिर ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, और साथ में मैग्नीट्यूड क्यों बदल रहा है, समझ में आ रहा है? भले ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो स्पीड डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अच्छी बात क्या है? वो स्पीड डिपेंडेंट नहीं होता। क्लियर हुआ? तो बताओ, तो अच्छा, कितनी बढ़िया चीज है ना, कि जो खतरनाक ढंग से मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, लेकिन राहत है कि वर्क डन नहीं कर रहा है। और जो कांस्टेंट वाला है वो तो कांस्टेंट लग रहा है, तो ठीक है, बढ़िया है। तो जल्दी से बताओ, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ वाई, तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल तो जीरो ही है, बताओ वर्क डन कितना हुआ? क्यू ई नॉट इंटू वाई, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। बताओ वी आया कि नहीं, कितना आया? 2qE0y/m आंसर है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन जब आप इसको ऐसे देखते हुए यदि पढ़ते सोचते, तो ये तो नहीं आ पाता आपसे, खासकर मैग्नेटिक फोर्स का सोचते हुए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड बताया जाता है। अच्छा हाँ, तो आप लोग वर्क कुछ बोल रहे थे आप लोग ना, क्या बोल रहे थे? आ रहा है? yes. नहीं आएगा? आ रहा है? है? मैं कह रहा हूँ कि Vx स्क्वायर यहाँ पे यही होगा ना, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर इज इक्वल टू 2qE0y/m ना, यही ना? हाँ, जरा बताओ तो कर देना कि ये आ गया है हम लोग का, है? अरे तुम ही लोग ना करते कि ये वाला आ गया है, कैसे आया आप लोगों का? अच्छा मैं ये बताना भूल गया यार, ये होगा कब वो बता देता हूं। बताओ ये कब होगा? जब ओमेगा टी बराबर पाई होगा, बोलो। है? अरे यार, ओमेगा टी पाई होगा तो कॉस पाई माइनस वन होगा तो मैक्सिमम होगा। ये वाला टाइम बताने जा रहा हूँ यार, ये वाला टाइम बताने जा रहा हूँ मैं कि कब मैक्सिमम होगा। तो ये ठीक लिखा हूँ पाई? तो टाइम बताओ कितना लिखूँ, पाई बाई ओमेगा? बताओ ओमेगा हमारे पास है, कितना है? तो बताओ कितने देर में मैक्सिमम होगा? पाई एम बाई क्यू, सही है ये? मैं तो कितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं, मैक्सिमम वाई कब होगा, फिर दूसरा है कितने देर बाद फिर से एक्स जीरो वाई जीरो होगा, एक्स को टच करेगा या वी जीरो होगा, सब एक ही बात है। वाई फिर से जीरो कब होगा, कितनी दूरी के उस समय एक्स कितना होगा, वी जीरो कितने देर बाद होगा, सब अच्छे क्वेश्चन है। और सबका आंसर यही है, फिर रेस्ट में, फर्दर रेस्ट में फिर से कब आएगा। सोचो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि फिर से कब आएगा, यही आंसर है जो दिख रहा है ना, ये इंटू टू ना, सॉरी ये कितना है, पाई एम बाई क्यू बी, और ये दो गुना सिमेट्री। ये वही वाला टाइम पीरियड वाला आ गया जो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, 2πm/qb। अच्छा हाँ, आप लोग बता रहे थे कि आ गया है, गाया यहाँ पे है, तो v by max कैसे कह रहे हो, तो v by zero है।
जब तुम यहाँ पे ऐसे कहोगे कि सबसे ज्यादा स्पीड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा स्पीड यहीं पर है, लेकिन भूल गए यहाँ पे वाई मैक्सिमम निकालना था, वी वाई मैक्सिमम। अब वहां पे वी वाई जानते हो कितना है, जीरो है। दिक्कत नहीं हो रहा है, कैसे आएगा बता। अच्छा एक काम करते हैं, सही में कोई कहे कि सही में वी मैक्सिमम बताइए, तो सही में कर रख देना आ जाएगा। यहां पे जानते हो क्या रख देना, ये जो आएगा ना, लेकिन आएगा तब ना, ये तो आया ही नहीं अभी, ये भी तो दिक्कत है। तो कैसे आएगा बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को कैसे निकालें? चलो मैं निकाल रहा हूं ना, ध्यान सुनना, फोकस करो मेरी बात पे। ये वाला लिख लिया ना, ये जो मैं लिखा हूं, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो ये वाला, मतलब यदि कोई कहे ना कहीं पे कुछ जरूरत पड़े तो तुम ये वाला यूज कर सकते हो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² वाला है, वो वर्क डन वाला है, ये 2qE0y/m, ये अपने आप में अच्छा रिलेशन है, जरूरत पड़ेगा तो यूज कर सकते हैं ना। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम पे, यहाँ मैक्सिमम पे स्पीड कैसे निकालेंगे? कह दें कि यहाँ पर वी वाई जीरो है, ये जीरो है, वी एक्स वाला अपना वैल्यू आ जाएगा, और ये वाई मैक्स रखना होगा जो अभी निकल नहीं पा रहा है। तो मैं इसको ऐसे करने जा रहा हूँ, देखो तो मैं इसको करूँगा डिफ्रेंशिएट, हमको मिलेगा ए वाई, हमको मिलेगा ए वाई, और शुरू शुरू में जब मैं कहूंगा ए वाई, शुरू शुरू में जो ए वाई टी बराबर जीरो पे, तो उसको कह दूंगा ए वाई यही वाला है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो फोर्स लगा नहीं रहा था भाई, दिक्कत कहीं और ना होगी ए वाई निकालने में, शुरू में तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा रहा था ना, तो शुरू वाला यूज करके अब वी मैक्स निकाल देंगे। जरा निकालो देखो, तो सोच पा रहे हो तुम लोग? इसके अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा है हमको। तो तुम लोग इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करो और कह दो कि हम केवल शुरू में ही देखना चाहते हैं, और शुरू में देखने का मतलब है रेस्ट में है, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, केवल कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे ही बात करो कि क्या ये निकल पा रहा है, ये वाला वी वाई मैक्स। आया हाँ? चलो ये देखो, तो मैं कर रहा हूं इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूं, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ए वाई आएगा, ठीक है? हैं? तो क्या लिखूं यहां पे बताओ, इनटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बोलो। अब मैं ये वाला तो लिख लिया होगा ना, इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको जब जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेना। ये देखो, ये देखो मैं ये कह रहा हूं कि टी बराबर जीरो पर एक्सेलरेशन मेरा कितना आना चाहिए, वाई वाला बताओ, ठीक लिखा हूं? हैं? टी बराबर जीरो रखने पर एक्सेलरेशन इतना आना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो फोर्स लगा ही नहीं रहा था, मैग्नेटिक फील्ड तो देखो यहां पे क्या लिखूं बताओ, क्यू ई नॉट बाई एम लिखूं यहां पर, और यहां पे क्या लिखूं बताओ, वी वाई मैक्स लिख लेता हूं, इनटू ओमेगा लिख लेता हूं, और ये तो टी जीरो रखोगे तो वन होगा ना, ये है तो बताओ वी वाई मैक्स कितना आया, कितना आया, क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा, ओमेगा रख लें, क्यू ई नॉट बाई एम, और ओमेगा कितना है, क्यू बी नॉट बाई, अरे नीचे ओमेगा रखना था ना यार, ओमेगा नीचे कितना हो जाएगा, एम बाई क्यू बी नॉट,
क्यू क्यू एम एम, यहां से हम लोगों को मिल गया वी वाई मैक्स हाउ मच ई नॉट बाई बी नॉट। मैं तो कहता हूं कि ये भी याद रख सकते हो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं यदि आपसे कहूं कि वाई के लॉन्ग मैक्सिमम स्पीड कितना, अच्छा क्वेश्चन है। वाई के लॉन्ग मैक्सिमम स्पीड नहीं, वाई के लॉन्ग मैक्सिमम स्पीड कितना, ये आंसर है ई नॉट बाई बी नॉट। कितना छोटा आया है कि वाई के लॉन्ग मैक्सिमम स्पीड। अच्छा वाई के लॉन्ग मैक्सिमम स्पीड हमको लग रहा है कि कहीं यही बीच में होगा, आधे पे होगा, क्या लग रहा है यहीं पे? ये मैक्सिमम वाई के आधे पे होगा। यहां पे भी वी वाई जीरो था, यहां पे वी वाई जीरो था, जस्ट एस एच एम वाला बीच में होगा। ऐसे ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं कहां से आ रहा है, ये बीच में कहीं। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब y के लॉन्ग मैक्सिमम स्पीड है तो टाइम बताइए और y बताइए। हाँ वो एक कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा ना, तो अब तो सो अब तो y, अच्छा y मैक्सिमम आ जाएगा अब। अरे यही रख लो, ये वाला ये तो निकल चुका है तो रख लेते हैं। बताओ y मैक्सिमम, बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ y मैक्स। यहां रखने जा रहा हूं ना, इसकी जगह 2 v y मैक्स रखने जा रहा हूं। व्हाट इज 2 v y मैक्स, v y मैक्स कितना है, e नॉट बाई b नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा ना। व्हाट इज ओमेगा, q b नॉट बाई m। तो फाइनली y मैक्स कितना आ गया बताओ, व्हाट इज y मैक्स, 2 e नॉट बाई एम बाई क्यू बी नॉट स्क्वायर। तो ये रहा हम लोगों का y मैक्सिमम जो अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ऐसे देखो ऐसे करते हैं, कैपेसिटर है और ये है, कुछ फील्ड उल्टे देंगे चाहे दो प्लेट दे देंगे ऐसे, और कह दें कि e बताइए चाहे b बताइए, कुछ रिलेशन बताइए ताकि उसको टच कर जाए, मिनिमम बताइए ताकि टच कर जाए, कितने मैक्सिमम तक टच नहीं करेगा। तो ये तो फिर यही लगाना होगा मुझे, दूरी है दो प्लेट के बीच में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, तो सोचने में तो एक बार लगेगा कि बड़ा आसान है, लेकिन कितना कठिन था आपके सामने, कितना मशक्कत करना पड़ा तब जाके ये आया है, नहीं बड़ा डरावना था ये। हाँ अच्छा x x का भी तो निकाल सकते हो ना, याद करो ax आया था हम लोग के पास, हाँ पर ax में vy था ना, तो vy तो अब लिख ही लोगे। अरे ऐसे करना है ना यार, अब तो इसको बदल के लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या लिखना होगा बताओ, यहाँ पे लिखना होगा e नॉट बाई बी नॉट ना, मतलब पहले तो यही डरा रहा होगा तुम लोगों को, कई लोग तो क्वेश्चन यहीं भी बीच में छोड़ देते हैं देखते ही, कहते तो यही डराता है ये वाला जो लिखा हुआ ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e नॉट बाई बी नॉट लिख लीजिए। अच्छा वी वाई को मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा तुम लोगों को, मैं ये कह रहा हूं कि a a x कितना था बताओ, x था ना हम लोग के पास, x कितना था, हाँ क्यू बी नॉट वी वाई बाई। इस बात की दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वी वाई है, तुम वी वाई को क्या रख लेना, ये वाला वैल्यू रख लेना ना, यहाँ पे इसकी जगह रख लेना ये वाला, और फिर आगे बढ़ जाना ना, इंटीग्रेट करना लिमिट रख कर तुम्हें। अच्छा बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते पता, ऐसे करते देखो, q b नॉट बाई m और इसकी वैल्यू है e नॉट बाई b नॉट और साइन ओमेगा t ना। गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे मालूम है, मैं बताता हूँ गड़बड़ ये करते हैं, करते हैं इसको
डी वी एक्स बाई डी टी करोगे तो वी एक्स आएगा, फिर डी एक्स बाई डी टी करोगे कुछ और मिलेगा। ये फटाफट साइन का कॉस कॉस का साइन करते रहते हैं, लिमिट नहीं रखते हैं। तो तुम लोगों को क्या लगने लगेगा बाद में पता है कि साइन 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 कॉस चल रहा था, होगा ऐसे ऐसे ऐसे, वो रुकने वाला नहीं, ऐसे करने वाला, ऐसे 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 ऐसे। सरप्राइजिंग है, तो आप देखिएगा निकालिएगा आएगा इसी तरह का। आप गड़बड़ क्या होगा मालूम है, बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, लिमिट रखते नहीं है तो साइन कॉस कॉस साइन कर लेते हैं। अरे भाई वन वन कुल रखोगे लिमिट तो वन वन प्लस कुल माइनस आ जाएगा, वन माइनस आ जाएगा वी एक्स की जगह, वी एक्स वाला कैलकुलेट करने में ही। तो ये प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। टाइम हो गया, अरे ऐसे मत बोलो यार। अच्छा ये मैक्सिमम स्पीड नहीं निकाला यार, मैक्सिमम स्पीड निकाल को, व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड? अच्छा मैक्सिमम स्पीड के लिए फिर से ये रिकॉल करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम स्पीड यार क्या तो लिखे थे। मैं बताता हूँ, जब तुम्हें नहीं याद आता है ना तो तुम सिंपली ऐसे करो, मैक्सिमम स्पीड के लिए फिर से कहो कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड टाइम में बता ही चुका हूँ मैं, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे तो ऐसे ही होगा, यही वी मैक्स। अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि यहीं पे मैक्सिमम स्पीड होगा, जितना ज़्यादा वाई उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन, और जितना वर्क डन उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और उतना ही ज़्यादा स्पीड, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, क्यू ई नॉट वाई मैक्स इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, इतना ही करना था। नोटिस करने वाला है यहाँ पे स्पेशली क्या कह सकते हैं, रियली में भी यही है और वी एक्स भी यही है, भी यही और वी एक्स भी है, वी बाई जीरो हो चुका है। तो मैं रख लेता हूँ क्यू ई नॉट और वाई मैक्स कितना आया है 2E0 m/qb = 1/2 mv². दिस मैक्सिमम स्पीड, जल्दी से निकाल लो, लिख लो, ये भी है ना जरूरी है। ये हो गया, लिख लिए तो। अच्छा ये वाला कर लोगे, बताना पड़ेगा, कर लोगे ये वाला, लिमिट रख के कर आगे बढ़ना है, कर लोगे ना ये वाला? और पाथ साइक्लेट क्वेश्चन लिखो तो। चलो ये ओवर हो गया, बहुत हुआ, कितना पढ़ोगे इसमें? विच द फॉलोइंग पॉसिबल कंडीशन Which of the following possible condition for straight line motion of charge? Which of the following possible condition for straight line motion of charge in electric field and magnetic field? इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, पहला वी प्रोपोर्शनल टू ई, वी पैरेलल टू ई, वी परपेंडिकुलर टू ई, थर्ड ई परपेंडिकुलर टू बी,
v perpendicular to b, e parallel to b, e cross b parallel to v. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बस यही बताना है कि चेक कैसे करेंगे ना, बस ऐसे पॉसिबिलिटीज लिख लो और जल्दी से एक मिनट सोच लो फिर बताओ तो मैं बताता हूँ जल्दी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन दोनों में अंतर है क्या? हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है? स्ट्रेट लाइन मोशन एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में एक्सेलरेशन जीरो ही होना होगा। कम से कम इसका तो आंसर देना ही चाहिए था यार। तो अच्छा हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, यदि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो। ऐसे देख लो, इसको छोड़ दूंगा तो कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं? पर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा ये, क्लियर? तो फिजिक्स में से बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं, दिस इंप्लाइज दिस बट दिस डज नॉट इंप्लाइज दिस, ऐसा होता है। तो यदि आप ये नहीं समझ तो दिक्कत है फिर। जल्दी बताइए इसके, जरा सोच लीजिए, सोच के बताओ, हालांकि मैं स्ट्रेट लाइन ही बस बोला हूं, जल्दी करो। सोच पाए आप लोग? हाँ, अच्छा ये भी मैं दे सकता था ना कि नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ना, ऐसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड एज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इन स्पेस, मतलब है ये दोनों है, नॉन जीरो दोनों है बताना है, ऐसी भी बात हो सकती है। सोच लिया आप लोग, सोच पा रहे हैं? हाँ, और चार्ज प्रोजेक्ट कर दिया गया है, चार्ज प्रोजेक्टेड है ना, मतलब वी उसके पास है, वी नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी एक्सेलेरेट करा ही लेगा, नहीं तो बल्कि ज्यादा अच्छा है कि उसमें फेंका गया, ज्यादा ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं पॉसिबिलिटी, यह अंतिम बात है जिसपे पॉसिबिलिटीज के नाम पे बच्चे सोच नहीं पाते, और हमें याद है कि जब हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे तो बहुत दिक्कत हो रही थी। चलो एक काम करते हैं, देखते तो पॉसिबिलिटीज देखते हैं। एक चार्ज को फेंक दिया गया है V से ना, एक चार्ज को V से फेंक दिया गया है, संभावनाएं देखते हैं। यदि E और B इधर ही हो जाएं तो B तो फोर्स लगाएगा नहीं और E एक्सेलरेट करा लेगा तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही जाएगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, तो मैं स्ट्रेट लाइन बोला हूं, एक ये संभावना है, ठीक है। दूसरा, यदि E उल्टा हो गया और B इधर उधर हो गया तो
तो भी बात वही रह जाएगी, बस रिटायर्ड करेगा, रुकेगा, लौट जाएगा, स्ट्रेट लाइन तभी रहेगा। लेकिन इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में ई हुआ ना, वी के अलोंग या वी का उल्टा नहीं हुआ ना, कोई और डायरेक्शन में ई हुआ ना, इधर ई, इधर इधर ई, इधर ई, इधर ई, कुछ हो गया ना इधर ई, तब तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड से तो मतलब है नहीं, तो ये तो मोड़ने जा रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होने देगा, क्योंकि इसके वी से तो मतलब है नहीं। वो तो मैग्नेटिक फोर्स को ना वी से मतलब है यार, इसको क्या मतलब है वी से। तो यदि वी के वी से किसी और एंगल पे ई हुआ ना, तो तब तुम्हें स्ट्रेट लाइन मोशन करने के लिए बी से इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैंसिल करवाना होगा, मस्ट है। फिर सुनो एक बार, मैं ये कह रहा हूं कि यदि वी के अलोंग हुआ, मतलब वी जिधर है इधर ही ई हुआ, तब तो स्ट्रेट लाइन हो ही गया होगा, है ना। यदि बी भी इधर ही रहे तो, मतलब बी भी इधर है, एक पॉसिबिलिटी ये है, सही है। बहुत करोगे तो कहोगे कि वी इधर है, इधर ई है, और बी इधर या इधर किधर भी है, तो भी स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों ही केस में स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। अच्छा, ये दोनों ही केस में स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है ये। और बात ये इसी की करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। यदि पॉसिबिलिटी में ये भी देते हैं कि कोई जीरो भी हो सकता है, तो ऐसे सोच लेंगे यार कि ई नहीं है, बी की तरफ है तो उधर उल्टा है, ऐसे भी कर सकते हैं कि ई जीरो बी जीरो नहीं है, बी जीरो ई जीरो नहीं है, तो ऐसे तो बात कर ही सकते हैं, ये लोग तो हम लोग बात कर भी चुके हैं पहले। क्वेश्चन ये है कि यदि ये वाला सिचुएशन हुआ ना, ये वाला वी है और ई किसी और डायरेक्शन में है, ई किसी और डायरेक्शन में है, तो आपको बी वाले मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करना होगा। यदि कैंसिल नहीं किए तो मोड़ देगा फिर, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों। तो यदि ऐसा है, यदि यदि एक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक तो फोर्स इधर लेगा, है ना। यदि बी वाला फोर्स हम लोग ऐसे कर ले कि यदि मैं इसलिए मैं कैंसिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वी बदल जाएगा ना एक मोमेंट पे, थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं ऐसा इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं ये कर रहा हूँ कि यदि हम लोग कैंसिल ना करें, ये करें कि भाई ऐसा है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर आया है, अच्छा कोई टेढ़ा आया है, तो जो इसको कैंसिल तो कर रहा है पर बी इधर है कुछ ना, चाहे ई का कुछ कंपोनेंट आ गया, तो भी बदलने लगेगा। यदि इसका कुछ कंपोनेंट आ गया तो चेंज करेगा ना, यदि फोर्स बच जाएगा तो वो भी को बदलेगा, या तो मोड़ के बदलेगा या तो कम करके बदलेगा, तो फिर उसके बराबर हो भी तो नहीं पाएगा यार, ई के बराबर जो ई वाला फोर्स है, तो कैंसिल करने वाली संभावना नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ना, वो वी के परपेंडिकुलर ही होता है। नोटिस करो, ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, क्यू वी क्रॉस बी है, इसको हम लोग को यूज करना है ना। बता चुका हूं, वही याद दिला रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी एज वेल एज बी, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बी के परपेंडिकुलर तो होता ही है, हमेशा वी के भी परपेंडिकुलर होता है, चाहे कि किस किधर भी हो, मतलब इसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि बी वाला फोर्स इसी के लॉन्ग आना है, बी कैसा भी ले लो, तुम बी इधर ले लो, इधर ले लो, उधर ले लो, इधर ले लो, इसके अलोंग लोगे तब तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, कोई एंगल ओंगल ले लो, परपेंडिकुलर ले लो, कितनी संभावना, इनफाइनाइट संभावना है, फिर भी बी का जो फोर्स है ना, ये वी के
परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसी में आना है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स या तो इधर, फर्क नहीं पड़ता बी इधर है, 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 फर्क ही नहीं पड़ता, फोर्स जो आएगा इसी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वी के परपेंडिकुलर रखना था। तो यदि इसके अलावा, अच्छा हाँ ऐसे ही करोगे कि भाई चलो बी इधर है ना, तो ऐसे करोगे, ऐसे फोर्स इधर आएगा है ना। अच्छा मान लो बी इधर है तो एक ठो एक कंपोनेंट, एक ठो एक कंपोनेंट, तो ये वाला बेकार है। अब फिर ऐसे करोगे फिर इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? कहोगे नहीं बी इधर है या बी इधर है, तो बी इधर है तो इसके दो कंपोनेंट, एक ठो इधर आएगा एक ठो इधर आएगा, तो मैं कहूँगा वी और बी, फोर्स नीचे आ जाएगा, आएगा इसी में। क्या इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ अच्छा, तो ये तो तय हो गया कि इसी में बी का फोर्स आना है। यदि इसमें बी का आना है ना, तो फिर इसी में ई को भी रहना होगा, क्योंकि वो तो अपनी ही तरफ लगाता है फिर है। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि यदि यदि आप आढ़ा टेढ़ा ऐसा कुछ कर रहे हैं, अब ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपको करना होगा वी के परपेंडिकुलर ई को करना होगा। लेकिन एक चीज नोटिस करो, बी किसी भी तरफ हो सकता है, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट तो वी वाला तो बेकार होता है, दूसरा वाला इधर उधर वाला परपेंडिकुलर वाला, ऐसे काम करोगे, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वी और बी के बीच में 2 डिग्री, 4 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री सब संभव है। ई के लिए नहीं हो सकता वो, क्योंकि ई तो अपनी तरफ लगाता है ना वो, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि वी वाला कुछ कैंसिल वैंसिल हो तो वी पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? तो इसका मतलब ई को क्या होना होगा? मस्ट है कि परपेंडिकुलर होना होगा। यदि इधर नहीं है तो, इधर नहीं है तो कोई एंगल और नहीं हो सकता 90 डिग्री के अलावा, मस्ट है ई के पर वी, ये वाला लगा। लेकिन बी और वी के बीच में थीटा, थीटा बिटवीन, थीटा किसके किसके बीच में, वी एंड बी, कुछ भी कोई भी एनीथिंग ग्रेटर देन 0 थीटा लेस देन 180, वी और बी के बीच में कुछ भी सब संभव है, 90 डिग्री संभव है, 2 डिग्री। हाँ इक्वालिटी मत रखना, गड़बड़ा जाएगा ये, उसे बैलेंस भी तो करना है इको। तो एक तो ये है, एक तो वी परपेंडिकुलर टू ई आया है हमारे पास जो मस्ट है, और ये संभावनाएं सारी पॉसिबल है, बस ये है कि जब ये वाला रहेगा, क्योंकि स्पेस में तो नॉन जीरो ई है, नॉन जीरो ई है, तो एक तो ये वाला बात कर ही चुका हूँ, इसके अलावा बता रहा हूँ मैं वो, मैं इसको छोड़ के। अच्छा यदि यदि हम लोग ये कहें कि कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वाला, तो तब तो ये वाला नहीं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में ये दोनों नहीं रहेगा फिर, तब तो यही वाला जो बता रहा हूँ वही होगा। संभावनाएं समझ में आ रहा है आपको? क्या थीटा वी और बी के बीच में 60 डिग्री हो सकता है? हो सकता है यार, वही 60 डिग्री हो सकता है कि नहीं? हाँ लेकिन ई के साथ वी का 60 डिग्री नहीं हो सकता, उधर 90 ही होगा। और इस केस के लिए ये जो दिख रहा है जिसमें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है, वो सुनो कैसे कैंसिल होगा। पहले तो ये देखो, जिधर ई होगा उसका उल्टा बी वाला होगा, जिधर ई वाला होगा उसका उल्टा बी वाला होगा, और होगा कितना है? देखो क्यू वी बी बराबर क्यू ई उल्टा। एक तो परपेंडिकुलर पे ही उल्टा होना होगा, और उस परपेंडिकुलर में बी को किसी भी डायरेक्शन में रखना होगा, याद ही होगा, क्योंकि वी ऐसे है तो बी ऐसे होगा, तो भी फोर्स तो परपेंडिकुलर ही लगाएगा, तो इसी में आना है उसको। कितना इंटरेस्टिंग है, यदि हम लोग इतना न सोच पाए तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। और फिर और डायमेंशन याद रख सकते हो, जो आज के डिस्कशन में इतना लंबा चला गया था वो डिस्कशन देखो, अभी भी डायमेंशन देखो क्या आया है, ई बाई बी ही आया है जो आ चुका है हम लोग का, देखो वो वाला आया हुआ था जो वी मैक्सिमम था, तो ये ई बाई बी का डायमेंशन भी आ सकता है। क्या डायमेंशन है इसका? तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है उसके लिए।
बहुत होगा तो तुम ये अच्छा ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन है ना, ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन है। नहीं तो यदि जनरल कंडीशन निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, वो देखो ये तो मैं जानबूझ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह डिफाइन करने की कोशिश किया हूँ। मैं ऐसे कर सकता हूँ क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। दिस थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी एंड दिस मे बी इक्वल टू एनी थिंग ना, थीटा 60 डिग्री 90 डिग्री सब हो सकता है, जीरो बस नहीं हो सकता ये, और इसको तो परपेंडिकुलर ही होना होगा, मैं बता चुका हूँ। तो मैं जानबूझ के 90 डिग्री वाला लिखा था बस डायमेंशन तुम्हें बताने के लिए, बाकी तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया। और जो थीटा है ध्यान रखना है, थीटा वी और बी के बीच में एंगल है वो 60 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 90 डिग्री 170 डिग्री 72 डिग्री सब सही है, लेकिन इसको तो परपेंडिकुलर होना होगा। तो ठीक है आप ये लोग ये वाला बना लीजिए और ये पॉसिबिलिटी आपके सामने है। समझ में आया तुम्हें को, कठिन तो नहीं था ये वाला, सोचने में कठिन था ना, वैसे नहीं लग रहा था ये अब कैसे करें कि ई किधर होगा बी किधर होगा, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा था। तो जैसे मैं ट्राई किया, मैं आपको ट्राई किया बताने के लिए कि कैसे फिर से आपको समराइज कर देता हूँ इसको, क्योंकि बहुत कठिन हमको लगता है कि बच्चों को समझना, टीचर के लिए समझने के लिए बहुत कठिन हो जाता है, तो आप लोगों ने तो दिक्कत होगा ही। वी पहले फिक्स करो, फिर कहो कि मैग्नेटिक फोर्स तो परपेंडिकुलर ही लगेगा, यदि वी एक्स के लॉन्ग है, वी एक्स के लॉन्ग है तो मैग्नेटिक फोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स वाई जेड प्लेन में होगा। क्यों? क्योंकि वी के परपेंडिकुलर रखना है आपको ना। और दूसरा, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाले को ही इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल करना होगा। पहले बी सोचना, यदि तुम ई पहले सोचे ना तो तुमसे नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं। पहले कहना वी इधर है, फिर कहना कि बी इधर हो इधर हो इधर हो, जिधर मन उधर हो, लेकिन फोर्स इसमें आएगा। यदि फोर्स इसमें आएगा तो ई वाला इधर होना होगा, इधर आएगा तो ई वाला इधर होना होगा, इधर आएगा तो ई वाला इधर होना होगा। यदि ऐसे नहीं सोचे तुमसे नहीं आएगा, और हमें याद है हम लोग से नहीं आता था ये वाला जो तुम्हें समझा रहा हूँ आज, क्योंकि इमेजिन नहीं कर पाते थे, हमारा टीचर हमको स्टेप नहीं बताता कि पहले बी वाला सोचना। तो ये आसान नहीं था जो बात कर रहा हूँ मैं, इतनी पॉसिबिलिटी की आप लोग सोचिएगा, आप लोग आ जाएगा। ओके, थैंक यू।